टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खवातीन की बहबूद की खातिर डिजिटल बैंकिंग का इजरा किया है। उन्होंने एएनआई के साथ बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के 2000 से ज्यादा देहात तक इस सहूलत को पहुंचाने की ट्रेनिंग स्कीम का आगाज कर दिया गया है। प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। एक तो डीजी पे करके 2000 महिलाओं को हम बैंकिंग सर्विसेज की होम डिलीवरी दे सकें वो, और 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग भी उन्हें दी जा सके और भविष्य में वो इंटरप्रेन्योर बन सकें, इसकी एक शुरुआत हुई है। बड़ी आबादी महिलाओं की कृषि और पशुपालन से जुड़ी है, तो उनको भी एम्पावर करने के लिए दो और योजनाएं कृषि सखी और पशु सखी ये बनाई गई हैं, तो उनको हर महीने हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग करके वो एम्पावर हो सके। इस दिशा में एक बड़ा अभियान शुरू कर लिया। डीजी पे सखी जो हैं वो ऐसी लड़कियां हैं जो बिजनेस वुमेन होंगी, लेकिन हम उनको फ्री के AEPS डिवाइसेस, दैट इज़ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम डिवाइसेस दे रहे हैं, और उनको ट्रेनिंग देंगे RCET से, और IIBF सर्टिफिकेशन होगी उनके पास, और ये एक तरह से मिनी ATMs या मिनी बैंक का काम करेंगी जो डोर स्टेप पे रूरल वुमेन को बैंकिंग सर्विसेज ATM सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और हमें ये भी सिखाया जाता है कि हम कैसे वैक्सीनेशन करते हैं एनिमल्स को, यही सब कुछ हमें ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, और यही ट्रेनिंग हम कम्युनिटी को भी सिखाते हैं, फिर वो भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। आर्मी ने LOC पूंछ के इलाके में एक बड़े कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह कर दिया है, जिस पर इलाके के वासियों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि इससे लोगों की समाजी जरूरियात की तकमील का काम भरपूर अंदाज से होगा। आज तक
नहीं था, ये कम्युनिटी हॉल भी नहीं था और ना ही पंचायत घर था, इसलिए हमें दिक्कत आती थी कहीं अपनी मीटिंग करने के लिए, शादियां करने के लिए। बॉर्डर एरिया है, यहाँ फायरिंग का भी खतरा रहता था, इस वजह से हम तहे दिल से फौज का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें कम्युनिटी हॉल जो है ये दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के और कम्युनिटी हॉल भी बनेंगे और हर जगह हमारी मदद फौज शाना बशाना करती रहेगी, हम इनका शुक्रगुजार। आज हमें बहुत खुशी हुई कि आर्मी की तरफ से यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल जो है वो उसकी इनॉग्रेशन हुई। हम बिल्कुल स्टीम बॉर्डर पे रह रहे हैं, ये सामने बॉर्डर है, यहाँ से तकरीबन मैं ये कहूँगा कि 100 मीटर भी दूर नहीं है बॉर्डर। फौज की तरफ से ये इतना अच्छा जो कम्युनिटी हॉल बनाया गया, इससे हमें 1200-1300 जो हमारा यहाँ पे पब्लिक है उनको फ़ायदा होगा। कोई भी यहाँ पे जो ऐसा हाल नहीं था, यहाँ पे कोई शादी हो, कोई नज़र न्याज हो, कोई और हमें कोई फंक्शन करें, ये साथ में रोड है, तो आर्मी की जानब से हमें जो ये कम्युनिटी हॉल मिला, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूनियन टेरिटरी में नौजवानों की 65% आबादी को पेश नजर रखते हुए नए नौकरियों के निजाम को मुतारिफ कराते हुए कहा है कि नौजवानों की इस बड़ी आबादी की बदौलत इलाके और पूरे भारत में तरक्की के बेपनाह मौके हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की और हमारे देश की औसत आय, एवरेज आयु की बात अगर करें तो मोटे तौर पर 29-30 वर्ष है। अगर हम अन्य डेवलप्ड कंट्रीज से इसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो चीन की औसत आय 37 इयर्स, अमेरिका की औसत आय 45 इयर्स और यूरोप की 48 इयर्स है। ये आंकड़े साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति, यूथ पावर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, जम्मू कश्मीर में। और इसलिए आपसे तरक्की के इस सफर में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने की मैं अपेक्षा रखता हूं और आप सबसे अपील भी करता हूं। श्रीनगर में 5 रोजा गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज हो गया है जिसमें 120 से ज्यादा गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस जिम में एक खसूसी रिपोर्ट देखिए। गोल्फ टूर्नामेंट ये जो हमारे लिए है, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे यूनियन टेरिटरी के लिए। ये PGTI का टूर्नामेंट है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर इंडिया का, और इसमें जो लोग खेलेंगे उनका पॉइंट स्कोर होगा जो इंटरनेशनली माने रखेगा। सो जो यहाँ से जीत के जाएगा उसको 2 या 3 पॉइंट्स मिलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल में उसकी रैंकिंग में बहुत हद तक ये फैसिलिटेट करेंगे। दूसरा इसमें यह है कि इसमें इंडिया के जितने भी, इंडिया के, श्रीलंका के, आपके बांग्लादेश के 126 प्रोफेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं, जिसमें एमेच्योर्स भी हैं और हमारे स्टेट से भी लगभग 6 लोगों की इसमें जो है पार्टिसिपेशन है इस टूर्नामेंट में। अच्छा हुआ, मैं काफ़ी सालों बाद आया हूँ यहाँ खेलने इस टूर्नामेंट में, और बहुत बहुत ही बेहतरीन और सुंदर जगह है ये, और मेरी फेवरेट जगह जम्मू कश्मीर ही है, तो
यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, मौसम, गोल्फ कोर्स, इन्वायरमेंट ब्रिलियंट। एक्चुअली आई विल से टू फर्स्ट थैंक्स फॉर रॉयल क्लब वाज वन ऑफ ग्रेट प्लेस कश्मीर रियली एंड ग्रेट गोल्फ कोर्स। आई एम प्लेइंग बिफोर फॉर दिस गोल्फ कोर्स 2014 एंड आई विल बी गुड एंजॉय फॉर हियर एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस हियर सो आई विल रियली वेरी एंजॉय फॉर हियर टू गोल्फ। श्रीनगर में कारोबारी खवातीन की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश जारी है, जिसमें आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट की मसनूआत के अलावा एम्ब्रॉयडरी और मलबूसात की बड़ी वैरायटी भी शामिल है। हमारा जो इरिग्निस का एक हमेशा मोटिव रहा है कि वो हमेशा एक यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म दे, तो आज का जो एग्जीबिशन है उसका भी यही एक मोटिव है कि हम लोगों को अमंग जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म दे जहां पे पीपल विल गेट टू नो दैट गर्ल्स आर डूइंग मच बेटर इन द सोसाइटी। ऐसी और ख़वातीन जो बिज़नेस के शोबे से वाबस्ता हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना एक जहाँ पे वो अपने बिज़नेस एक ही प्लेटफॉर्म पे आके अपने बिज़नेस आइडियाज़ को एक्सचेंज करें, एक कैपेसिटी बिल्डअप करें और अपने इस बिज़नेस को प्रमोट करें, तो ये एक खुशाइंदा कदम है। आज का जो है ये फीचर है, 7 दिन का फीचर, वो एक्सक्लूसिव वुमन एंटरप्रेन्योर्स पे है, जो औरतों का कंट्रीब्यूशन क्राफ्ट को प्रमोट करने में बड़ा कलीदी रहा है। एक प्लेटफॉर्म सब बनता है वो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो अपना एग्जिबिट करे, अपना कलेक्शन सारी वो दिखाए वगैरह। हाँ, ये अच्छा इनिशिएटिव है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी हो जाएगी। वुमेन आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्स और मे बी जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इनकी वजह से एक प्लेटफॉर्म सा हमारा बन गया ताकि हम हमारा कलेक्शन एग्जिबिट कर सकें और आगे आ सके और हाँ हम थोड़ा सा जानी जाए। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टेसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।